थी सोनाक्षी सिन्हा। फिल्म इंडस्ट्री में तो एक ही पांडे जी है, चंकी पांडे, जो 25 साल से राज कर रहा है। एक फिल्म बना दी, चुलबुल पांडे पैदा हो गया। मेरे को क्यों बोल रहे, मैंने थोड़ी बनाई। अरे आप भी थी पिक्चर में। मैं थी ना। हाँ, और पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, मेरा टाइटल चुरा लिया यार। कॉपीराइट तो नहीं था ना? दिस इज नॉनसेंस। ये सब चुरा के मुझे रॉयल्टी भी नहीं मिली। मैं तो सलमान खान एंड ब्रदर्स पर केस ठोकने वाला हूँ। ये शो मैं होस्ट करूंगा। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। थैंक गॉड। डरा रहे हो चंकी? अभी आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। बट प्लीज वेलकम द सुपरस्टार ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द वन एंड ओनली सलमान खान। आमिर नहीं आया? नहीं आया आमिर। आमिर ऐसे शो में नहीं आता। और वो शो में नहीं आता, अवार्ड में कोई उसको इंटरेस्ट है नहीं। और वो दूसरा पांडे जी, कमाल करती हो रज्जो, बड़ा अच्छा होस्ट कर लेती हो आप। पूनम आंटी, हेमा जी, पैम आंटी, सर, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर, थैंक यू। ये होएगा, ये वहां पे नहीं रहेगा। तो पहले से ही मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने भी फंबल्स हैं वो नहीं रहेगा। टीवी पर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो आप सब के जाने के बाद मैं यहां पर फिर से दोबारा करूंगा। सो प्लीज जाने के बाद अच्छा ही बोलिएगा, प्लीज। आई डू अ गुड शो, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। आप लोग मेरा साथ देंगे, ये मेरी खुशी में आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए। और कसम खुदा की बहुत टाइम पहले छोड़ी हुई है तो ये उसका असर नहीं है, सीरियसली गवाह है ये। मैं हूं ना, गवाह है। तो थैंक्स टू एवरीबॉडी आउट हियर, ऑल द विनर्स फॉर विनिंग, ऑल द नॉमिनीज फॉर बीइंग नॉमिनेटेड, एंड ऑल द प्रेजेंटर्स फॉर प्रेजेंटिंग। आप लोग फर्स्ट टाइम होस्टिंग या एक्टिंग वालों को जो आप लोग माफ कर देते हैं, और उस माफी की वजह से एक आदमी इस मुकाम तक पहुंचता है। तो आज भी अगर आप के दिल को सॉफ्ट रखिए और मुझे जरा माफ कर दीजिए, जैसे कि मैंने एक फिल्म की थी, मैंने प्यार किया, उसमें एक गाना था जिसके लिए मैंने करीबन 15 दिन सुबह शाम रिहर्स किया था। स्टेप्स बड़े मुश्किल थे, मैं आपको दिखाता हूं कि वो मुश्किल सा स्टेप कौन सा था। म्यूजिक पांडे जी, कमाल करती हो रज्जो, बड़ा अच्छा होस्ट कर लेती हो आप। पूनम आंटी, हेमा जी, पैम आंटी, सर, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर, थैंक यू। ये होएगा, ये वहां पे नहीं रहेगा। तो पहले से ही मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने भी फंबल्स हैं वो नहीं रहेगा। टीवी पर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो आप सब के जाने के बाद मैं यहां पर फिर से दोबारा करूंगा। सो प्लीज
जाने के बाद अच्छा ही बोलिएगा प्लीज। आई डू अ गुड शो, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। आप लोग मेरा साथ देंगे, ये मेरी खुशी में आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए। और कसम खुदा की बहुत टाइम पहले छोड़ी हुई है तो ये उसका असर नहीं है, सीरियसली गवाह है ये। मैं हूं ना गवाह है। तो थैंक्स टू एवरीबॉडी आउट हियर, ऑल द विनर्स फॉर विनिंग, ऑल द नॉमिनीज फॉर बीइंग नॉमिनेटेड, एंड ऑल द प्रेजेंटर्स फॉर प्रेजेंटिंग। आप लोग फर्स्ट टाइम होस्टिंग या एक्टिंग वालों को जो आप लोग माफ कर देते हैं, और उस माफी की वजह से एक आदमी इस मुकाम तक पहुंचता है। तो आज भी अगर आप के दिल को सॉफ्ट रखिए और मुझे जरा माफ कर दीजिए, जैसे कि मैंने एक फिल्म की थी, मैंने प्यार किया, उसमें एक गाना था जिसके लिए मैंने करीबन 15 दिन सुबह शाम रिहर्स किया था। स्टेप्स बड़े मुश्किल थे, मैं आपको दिखाता हूं कि वो मुश्किल सा स्टेप कौन सा था। म्यूजिक तो ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगा था। 15 दिन सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यही स्टेप करता था मैं। इवेंचुअली मुझे आ गया। बोलते हैं कि मेहनत मुशक्कत रंग लाती है। और फिर मेरा पहला किस जो कि हुआ नहीं। देखिए ये जो मैंने प्यार किया का जो एक इतना फेमस किस हुआ जो कि किस नहीं हुआ, वो दिन था और आज का दिन है, कभी नहीं हुआ। बैड लक ही बैड लक चल रहा हमारा। फिल्म अवार्ड शोज में बहुत सारी चीटिंग होती है, जैसे कि मैंने सुना है लोगों से कि ये जो लाइव इवेंट्स जो होते हैं, जो कि आप मिस्टेक्स देख रहे हैं, वो सब टीवी पर कवर हो जाते हैं। तो उसी का फायदा उठाते हुए मैं कुछ चीजें आपके लिए आसान कर देना चाहता हूं। रूल नंबर 1, जब शो लंबा चलता है तो काफी सीट्स खाली हो जाती हैं। इसमें आप सबके लिए जरूरी है कि शो के फर्स्ट हाफ में आप लोग फुल एक्साइटमेंट दिखाएं, तालियां वालियां बजाएं और जितना हंस सकते हैं आप हंस लीजिए। तो हंसने के लिए एक इंस्पिरेशन मैं ढूंढ लेता हूं आपके लिए। चंकी चंकी हाँ प्लीज हंस दे यार। हाँ हाँ थैंक यू चंकी। सो प्लीज प्लीज ऐसा हंस दीजिए, लवली। रूल नंबर 2, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के वक्त बिना बताए प्लीज आप स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा। एक रिहर्सल कर लेंगे आप प्लीज सब प्लीज। अरे सर आप बैठिए सर, सर आप बैठिए प्लीज सर, सर आप बैठ जाइए दादाजी प्लीज। ये थैंक यू, ये मैं अपने इंट्रोडक्शन में डालूंगा। तो अभी थोड़े से कुछ स्टॉक एक्सप्रेशन लेके खत्म कर ही देते। और वाजिद जरा हंस दो। अच्छा एक ये चलो हंसने का तो हो गया, अभी कुछ शॉक वॉक का एक्सप्रेशन। प्रियंका जी आप तो हंसने का पहले दे दो। हाँ इतना नहीं, थोड़ा सा कम कर दो। हाँ थोड़ा सा थैंक यू, वो भी अच्छा था। अच्छा एक शॉक का दे दो, ये वाला लवली शॉट्स मिल गए। चलिए सो नमस्ते सलाम अलैकुम सत श्री अकाल केम छो एंड वंस अगेन वेलकम टू द फर्स्ट एवर रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स पावर्ड बाय वीनस सोप। वैसे हम लोग रेनॉल्ड बोलते हैं लेकिन बोला गया कि रेनो रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स। मेरे साथ मेरे राइट पर हैं
एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जिन्होंने मेरे साथ अभी अभी एक फिल्म की है और इन्होंने मुझे एक सुपर डुपर हिट फिल्म दी है, सो प्लीज इनके साथ हम प्रेजेंट करने वाले हैं बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स। चलिए, आप जब रिक्शा से आए जी आए, तब मैं अपने रेनो में एक शॉर्ट ड्राइव पे चली गई। रेनो का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? It was wonderful. और कैसा होगा? जस्ट 21 महीने के ऑपरेशन में रेनॉन इंडिया ने अपना दम साबित कर दिया है बाई क्लिंचिंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2012. In fact, with more than 25 awards for its amazing products and smart marketing, it's surely here to change the way India drives. Driving the change. Absolutely. जी. सुना है कि रेनो के साथ आपने एक मॉडलिंग का शॉटलिंग का डील भी साइन कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्क्रिप्ट है. किसकी है? अब दबंग 1 दबंग 2 इतने बड़े हिट हो गए तो मैं सोचा कि दबंग 3 भी बना लेते तो स्क्रिप्ट ले आई मैं. दबंग 3? ऑफ कोर्स. इस बार कौन डायरेक्ट करेगा? मलाइका. अरबाजी कर रहे हैं. उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट दी और कहा कि स्टार गिल्ड में प्रमोट करना. तो एक तो ये यहां से ये घूमते फिरते बात करें. हां ठीक है. हां कहिए. अभी क्या बोल रही थी आप? कि अरबाज ने कहा कि प्लग करें. हाँ. अरबाज को कहना कि बहुत जल्दी प्लग हो रहा है, दबंग 3 में बहुत वक्त है. अच्छा. लेकिन फिर बताइए कि क्या नया क्या है दबंग के अंदर? दबंग 3 में हमारा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है. अच्छा. लाई हूँ उसे. कहाँ है? अभी बुलाती हूँ. प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, चुलबुल पांडे का बेटा चंचल पांडे. ये पांडे जी ही है, ये सन ऑफ सरदार 2 है ये. मुझे आपको ये गॉगल्स देने. अरे वाह, थैंक यू. पहन लूं? कैसे लग रहा है? ये शो है या दबंग थ्री की? तुम अभी तक इसे टाइम है उसमें तुम शायद होगी भी नहीं. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. इसके बाद भी कह रहे हो मैं दबंग की में होंगी नहीं? ये तो सन्नो सरदार का. कुछ बोलना चाहोगे? डायलॉग वायलॉग आते हैं आपको तो डायलॉग बोल के सुनाओगे? क्योंकि हमारे तो चिपक नहीं रहे बेटा, शायद तुम्हारे ही चिपक जाए कुछ. होल्ड द माइक. लाओ लाओ, मैं अभी ये टाइम आ गया है. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. हाँ. जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा. जोर से धारणा मत, चमड़ी भी उधर सकती है. कौन सा है? बॉडी में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे. सांस कहाँ से ले, पादे कहाँ से? और प्रूफ चाहिए किसका बेटा है? ना ना, मेरे को तो ये चाहिए कि 3-4 और बोल जाइए. बोलो बेटा, तू ये शो संभाल. हम एक हिंसावादी थानेदार है, गोली तक छड़ी है, हम किसी को गाली तक नहीं बकते. वाह, तालियां. कमाल करते हो यार. हाँ, एकदम.